हो पक भी हो पार्टी कारकुनान डेलीगेट हजरात पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन से आए हुए सभी साथी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। पहले मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्या उन्होंने इतनी मसरूफियात के बावजूद आज डिस्ट्रिक्ट रामबन में आने की जहमत की। उसके बाद हमारे जितने भी डेलीगेट हजरात जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे आने की जहमत की। सर काफी देर बाद आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा बल्कि नहीं है कन्वेंशन है। हमारे जितने भी डेलीगेट हजरात है चाहे वो सब डिविजन संगलदान से हो चाहे वो रामबन के राजगढ़ इलाके से हूँ बटौत से हूँ बाकी मेरा है जितने भी गांधी है जितने भी इलाका जाति हमारे डेलीगेट हजरात हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने पार्टी का जो इलेक्शन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। सर हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान थे उनके इलेक्शन हो गए हैं हमारी मेंबरशिप कंप्लीट हो चुकी है हमारे डेलीगेट हजरात की लिस्टें जो है वो सबमिट हो चुके हैं। उसके बाद मैं जो सबसे बड़ी बात हमारे बीच में आज यही है कि हमारे आज नए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे रतनलाल गुप्ता जी हमारे बीच में है ताकि उन स्लो बोर्ड एरियाज में हम पाइपें लगवाएं पानी
जो निजाम है वो गरम गरम है उसको ठीक कर सके, क्योंकि 4-5 साल से अभी तक किसी भी जगह पाइपे नहीं लगी है। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगी कि बाकी भी एरियाज हैं जहाँ पे आपका प्रोग्राम करना है, दूर संगत धाम सब डिवीजन है, बहुत जरूरी है। 5 से 6 साल हो गए हमारे वहाँ पे पार्टी का कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, तो मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर आपका एक जलसा हो। इसी के साथ मुझे इजाजत दे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए रवा जम्मू कश्मीर के लोगों की धड़कन कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब जो यहाँ तशरीफ रखते हैं हमारे